सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ वी दिस स्टूडेंट। आई होप तो सारे वधिया हो गए तो वधिया रहने चाहिए हो। तो अज के इस वीडियो मैं गल कर जा रहा कि तुम जो इधर कैनेडा आते हो तो अपनी फी वगैरह कि कट सकते हो। तो हम जिदा मैं भी कटी सी तो तुम भी उसी तरह कट सकते हो फी। सो इतना मुश्किल भी नहीं है फी कटना कैनेडा चाहिए वो भी स्पैशली ऑन सिन नंबर। सो ये अज की वीडियो का टॉपिक हो जा रहा क्योंकि आप कितने घूमने जा रहे तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा पिछे देख रहे हो आना जाए तो ब्लॉग नहीं बना पा रहा कोई भी तो बाहर जाता तो सोचा थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। तो फिर अज आप टॉपिक इस टॉपिक पर गल करा तो फिर चलो इस वीडियो शुरू कर दें फिर इधर ही। तो फिर सब तो पहला तो इंपॉर्टेंट गल जी है वो है थोड़ी जो तुम कैनेडा आते हो तो जी आई सी पे करके आते हो ऑलमोस्ट $10,000 की ऑलमोस्ट नहीं मतलब $10,000 की जो कि थोड़े इधर फी मतलब कटने के काम आएगी। उस तो इलावा जोड़ा तुम $15,000 दे के आते हो एक साल की फी तो भी थोड़ा बर्डन थोड़ा लो कर देंगे क्योंकि थोड़ी देर पहले जिदा कि तुम खाली एक समेस्टर की फी पे करके आते सो तो तीन समेस्टर की मतलब फी कटना थोड़ा औखा हो जाता सी। हूँ थोड़ा सरकार ने थोड़ा मतलब बर्डन थोड़े तो बढ़ाता है बट अपना मतलब एक कट भी करता है फैमिली का बर्डन बढ़ाता है जो फिर जिदा मतलब एक साल की फी इकट्ठी पे करते हैं तो काफ़ी पैसा चल जाता। तो वो कैसी मतलब हूँ जिदा हो हिसाब तो एक साल की फी तुम जिदा पे करके आते हो तो फिर तुम्हें सीधा हूँ रह जाते दो समेस्टर की फी। तो हूँ अगर जो अगर दो साल का कोर्स लेके आ रहे हो तो एक चार महीने का ड्रॉप ऑलमोस्ट हर एक कोर्स से मिलता ही मिलता है कोई इदा का कोर्स नहीं होता जो कोई नॉन स्टॉप चलता रहे बट बिच एक ब्रेक होंगी है चार महीने की उस अगर तुम काम कर उस एक चांस होता है कि तुम फुल टाइम काम कर सकते हो सरकार वालों मतलब तुम्हें फ्रीडम होती है तो उस दौरान भी तुम काम करके अपना मतलब थर्ड समेस्टर की पे कर सक फी कर सकते हो। तो एक किदा होता थर्ड समेस्टर की एक अठ महीने का समेस्टर मतलब दो समेस्टर होंगे क्योंकि इधर ऑलमोस्ट चार महीने का एक समेस्टर होंगे तो टोटल अठ महीने तुम्हें पे करने होंगे अराउंड $7,000-$8,000 मोस्टली हर एक कॉलेज की इन्नी फी होंगी है 7,000-9,000 के बीच बीच ही। तो जिदा मैं अपनी कॉलेज की गल करा मेरी सी 7,500 क्योंकि कोविड भी आ गया सी उस चक्कर उन्होंने $500,000 घट करती सी फी तो मैं 7,500 ही देनी सी। तो जो पहले का टाइम होंगे तो स्ट्रैक्टली जिदा ही तुम इधर आते हो अपना बैंक च खाता वगैरह खुलाते हो तो सीधा $2,000 सीधा थोड़े अकाउंट च आ जाते हैं जो यूज़ कर सकते हो थोड़े जी आई सी तो सीधा पहले वो $2,000 जिन्ना सेव कर सकते हो उन्ना करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की करते कुछ ना कुछ बाय कर लेंगे जिदा लैपटॉप वगैरह चलो जरूरी भी होंगे बट होर भी चीज़ों पर खर्चे मतलब वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। तो लिमिट करो थोड़े खर्चे वो $2,000 बचाओ अगर तुम वो बचा हो तो बड़े हेल्प करो। उस तो इलावा अगर तुम स्टार्टिंग अगर काम लेंदे हो अगर महीने के बाद ही काम तो भी तुम अगर सिन उपर काम लभ रहे हो तो अराउंड $1,200-1,300 तुम मंथली कमाते ही हो तो $1,200-1,300 तो भी अगर तुम $500 एक बचा लेंगे हो तो $670 जी आई सी के भी आते हैं हर मंथ तो $500 तो 670 बचा के मतलब टोटल मंथ का $1,000 तुम सेव कर लेंगे हो वो जी आई सी के नाल। अगर थोड़ी जी आई सी पूरी सेव है $2,000 उपरों हर तुम मंथ $1,000 सेव कर रहे हो अपनी जी तुम इनकम कमा रहे हो तो जी थोड़े को जी आई सी आ रही है तो $1,000 वो सेव कर लेंगे हो। तो अगर तुम पाँच महीने इदा करते हो छे महीने भी अगर इदा करते हो तुम $5,000-$6,000 तक सेव कर लेंगे हो अपने जी आई सी के काम तो बाकी जो $2,000 जो स्टार्टिंग सेव किया टोटल मिला के 8,000-7,000 तक पहुँच जाता है तो ऑलमोस्ट तुम अपनी फी सारी थर्ड समेस्टर की कट लोगे अगर तुम इस प्रोसेस में चलते हो। तो मैं भी यही किया अपनी जी आई सी जिनी सेव कर सकता हूँ करता सा बाकी जो काम तो पैसा आता सी उस चु भी $400-$500 कुछ सेव करता सा कोशिश करने की कि मतलब सेव हो जाए क्यों तो डिपेंड भी करता है कई बार सिचुएशन इदा नहीं आती है कि मतलब यूज़ करने पे आते पैसे बट फ्रेंड्स थोड़े नाल होंगे हर टाइम जे कोई दिक्कत आती है तो मतलब हो जाता जुगाड़ इन्नी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब फी निकल ही जाती है ऑलमोस्ट इधर सब की बहुत रेयर चांसिज हैं जिन्हें नहीं निकलती फिर उन्होंने घरों मंगाने पेंदे फिर थोड़ा ड्रॉप स्टार्ट हो जाएगा थोड़े को चार में और एक और गल जिदा थोड़ा समेस्टर चल रहा है वो एक वीक की समेस्टर ब्रेक भी होंगी है
उस ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 40 hours ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਨ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਲੇ ਵੀਕ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ $670 ਉਹ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦਾ $2,000 ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 40 hours ਤੋਂ ਅਬਵ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਮਤਾ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਪ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਫੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਫੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਸੀ ਇਹ ਯੂਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਢੀ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਸ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੇਵਿੰਗਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖ ਰਹੋ ਕਿ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਉਡਾਏ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ ਉਡਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਬਟ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਫੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਫੀ ਬਟ ਮੇਰਾ ਡਰੋਪ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣੇ ਮਤਲਬ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਨ ਪੈਸੇ $2,000 ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਪ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਖ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਐਂਡ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾ ਦਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਕੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਸਿਹਤ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਗਲੈਰੀਆਂ ਨਾ ਸਕੁਆਇਰਲਸ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤਦ ਦੇ ਲਈ ਓਕੇ ਬਾਏ ਸੀ ਯੂ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ